एकनाथ शिंदे के सहारे उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को तहस नहस करने के बाद बीजेपी नए मिशन पर निकल पड़ी है। इसी मिशन के तहत बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस पहुंचे राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ। सुनने में आ रहा है कि शिंदे और बीजेपी ने मिलकर जो सरकार बनाई है उसमें राज ठाकरे की पार्टी को शामिल किया जा सकता है, उनके कोटे से कोई ना कोई मंत्री बन सकता है। राज ठाकरे खुद शिंदे के अंडर मंत्री बनेंगे, इसकी संभावना तो शून्य है, लेकिन उनका कोई खास आदमी पिछली गली से मंत्री बन सकता है। वैसे भी शिंदे सरकार को राज ठाकरे ने समर्थन दिया हुआ है। महाराष्ट्र की राजनीति में वैसे तो राज ठाकरे की कोई हैसियत रही नहीं। 2005 में जब बालासाहेब ठाकरे ने उद्धव को राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया था, तब से राज ठाकरे खाली हाथ है। ठाकरे परिवार के कोप से राज ठाकरे राजनीति में शोर मचाने के अलावा कुछ कर नहीं पाए। ना संसद में, ना विधानसभा में राज ठाकरे की कोई खास हाजिरी रही नहीं। आज भी राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का सिर्फ एक विधायक है। सत्ता में राज ठाकरे की हिस्सेदारी से गठबंधन के कान खड़े हो गए हैं। आरपीआई के रामदास अठावले ने ऐलान कर दिया है कि ऐसा हुआ तो आरपीआई विरोध करेगी। फिर भी राज ठाकरे की धाक है, ऐसी धाक कि राज ठाकरे कभी किसी से मिलने नहीं जाते, फडणवीस जैसे नेता मिलने आते हैं। राज ठाकरे की इस धाक का सम्मान शायद इसलिए है क्योंकि वो ठाकरे हैं। माझ्या संपर्कामध्ये या महाराष्ट्रातले ज्यांना बाळासाहेबांची भूमिका घेऊन आम्ही पुढे निघालेलो पटलेली आहे, ते खूप लोक लोकप्रतिनिधी पदाधिकारी माझ्या संपर्कात आहेत। ते मला सांगतात की आम्हाला तुमच्या सोबत काम करायचं आहे। एवढंच या प्रसंगी मी आपल्याला सांगतो, महाराष्ट्र में बाळासाहेब ठाकरे ऐसी मुहर है जिसका इस्तेमाल शिंदे को भी करना पड़ा, जबकि वो उनकी ही बनाई पार्टी से बगावत कर रहे थे। आज भी उनके ट्विटर प्रोफाइल पर ऐसी फोटो लगी है जिसमें चेयर पर बाळासाहेब बैठे हैं और शिंदे उनके चरणों में। महाराष्ट्र में चाहे शिंदे हो या बीजेपी, बाळासाहेब के चरणों में बैठकर ही आगे बढ़े। शिवसेना बीजेपी का 30 साल पुराना साथ भी बीजेपी ने नहीं उद्धव ठाकरे ने तोड़ा था। शिंदे या बीजेपी बिना बाळासाहेब के आगे बढ़ना नहीं चाहती। उद्धव कांग्रेस एनसीपी के लिए अड़े हैं। राज ठाकरे साथ रहे तो ठाकरे वाली मोहर, बाळासाहेब वाला सेंटिमेंट शिंदे बीजेपी गठबंधन के साथ रह सकता है। शिंदे विधायकों को तो ले आए, लेकिन शिवसैनिक काडर के बीच ठाकरे वाला सेंटिमेंट राज ठाकरे ही ला सकते हैं। शिंदे ने तो शपथ ली हुई है कि बाळासाहेब वाले हिंदुत्व को आगे लेकर जाएंगे। राज ठाकरे भी दिखाते रहते हैं कि वो बाळासाहेब वाले हिंदुत्व के अघोषित वारिस है। बरसों पुरानी मराठी मानुस वाली राजनीति को पीछे छोड़कर राज ऐसे रंगे ताकि बीजेपी के भी करीब रहे और बाळासाहेब वाले हिंदुत्व की भी फील दिखती रहे। एमएनएस के लोगों से लेकर भाषण तक राज ठाकरे के अंगने में अब सब में भगवा फील है। राज ठाकरे भले रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या ना जा पाए हों, लेकिन अब राम जी और हनुमान जी के पक्के वाले भक्त बन चुके हैं। अजान हनुमान चालीसा वाले विवाद में अकेले राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर पर उद्धव सरकार को बैकफुट पर खड़ा कर दिया था। राज ठाकरे से बीजेपी की नजदीकी से उद्धव ठाकरे अनजान नहीं है, फायदे का पता नहीं लेकिन नुकसान झेल चुके हैं। शिंदे की बगावत के बाद बीजेपी में फिर उनको इंटरेस्ट दिखने लगा है। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन इसी इंटरेस्ट का इशारा है। उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना का कंट्रोल अब बहुत कम बचा है। बहुत सारे विधायक, बहुत सारे कॉर्पोरेटर छोड़कर जा चुके हैं। शिवसेना का नाम और निशान भी खतरे में है, लेकिन सिल्वर लाइन ये है कि सांसदों ने साथ नहीं छोड़ा है। कहा कि पहली बार हमारी एक महिला भगिनी आदिवासी समाज से देश का जो सर्वोच्च पद है उसके ऊपर विराजमान होने जा रही है, तो मैंने भी यही सोचा कि सारे लोग अगर प्यार से मुझे कुछ कह रहे हैं तो उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए, और उस भावना का आदर करते हुए आज मैं जाहिर करता हूं कि आने वाले इस राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष चुनाव के लिए शिवसेना द्रौपदी जी को हमारा अपना समर्थन दे रही है। ऐसे देखा जाए तो राजनीति जो आज महाराष्ट्र में चल रही है, मुझे तो विरोध करना चाहिए था, नहीं ये भाजपा की है, मुझे विरोध करना चाहिए, इतने छोटे मन का मैं नहीं। कहा जा रहा है कि सांसदों की सलाह और प्रेशर के कारण ही उद्धव ने कलेजे पर पत्थर रखकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। ये बहुत संभव है कि द्रौपदी मुर्मू जब समर्थन जुटाने के लिए मुंबई पहुंची तो बीजेपी उद्धव ठाकरे से मुलाकात करा दी। अगर ऐसा हुआ तो ये भी एक इशारा हो सकता है कि बीजेपी ने उद्धव के लिए बची कुची शिवसेना के साथ एनडीए में लौटने का रास्ता खुला रखा है।